بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. हमारी आज की ये वीडियो हाउ टू चेक ब्लड शुगर या शुगर ग्लूकोमीटर की मदद से कैसे चेक की जाती है, ये हमारी वीडियो मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक के लिए है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर की मदद से कैसे चेक की जाती है। इस वीडियो के देखने के बाद आप ये जान सकेंगे और सीख सकेंगे कि ब्लड शुगर को कैसे चेक करते हैं। ब्लड शुगर चेक करना हर इंसान की ज़रूरत है। घर में आपके कोई भी बीमार हो सकता है जिसकी आपको शुगर चेक करना पड़ सकती है, या आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं और आप ये सीखना चाहते हैं कि ब्लड शुगर कैसे चेक की जाती है। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके। अभी हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि आपने क्या क्या काम करना है। पहला स्टेप है हैंड वॉशिंग। आपने अपने हाथों को किसी भी साबुन या कोई भी डिटर्जेंट जो आपके घर में मौजूद है उसकी मदद से अच्छी तरह हाथ धोने हैं ताकि आपके हाथ जरासीम से पाक हो सकें। अभी आपको बताते चलें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस तरह की आपकी मदद के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक शुगर चेक करने के लिए, आपको सबसे पहले ग्लूकोमीटर चाहिए होता है, जो कि किसी भी कंपनी का हो ये मैटर नहीं करता, जो आपको अवेलेबल हो वो ग्लूकोमीटर होगा। उसके साथ उसी ग्लूकोमीटर के की ग्लूकोज स्ट्रिप्स होंगी, या स्ट्रिप्स जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद लैंसेट होगा जिससे आप प्रिक करेंगे और प्रिक करके ब्लड निकाल के आप शुगर चेक करेंगे। उसके बाद अल्कोहल स्वैब्स अगर अवेलेबल है ठीक है, वरना आपके घर में अगर कॉटन है या डिटोल है उसके साथ मिला लें। अगर वो नहीं है तो आप सादा टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं अपनी उंगली को साफ करने के लिए। सबसे पहले आप जो स्ट्रिप्स है उसको ग्लूकोमीटर के अंदर लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है आपने इसी तरीके से ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप को लगाना है। जब आप स्ट्रिप को सही तरह से एडजस्ट कर लेंगे तो ग्लूकोमीटर के ऊपर एक ब्लड ड्रॉप का निशान आएगा। ये मीटर टू मीटर वेरी कर सकता है। यहाँ पे जिस तरह दो डिफरेंट कंपनी से मीटर दिखाए गए हैं वहाँ की, उनके ऊपर ये ब्लड का निशान है। इसमें कॉमन चीज़ ये है कि ये ब्लिंक करता है, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। तो जब ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाए उसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रिप सही तरह लगी हुई है और अब आपका जो ग्लूकोमीटर है वो शुगर चेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपने लैंसेट को पेन में अगर अवेलेबल है उसमें लगा लें, उसमें आसानी ये होती है। जो प्रिक होता है वो मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा प्रिक नहीं होता जिससे आपको दर्द ज़्यादा नहीं होती। अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली भी लैंसेट की मदद से उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो फिंगर है जहाँ पे आपने चेक करनी है उसको अच्छी तरह स्वैप कर लेना है, और एक ही फिंगर पे बार बार चेक नहीं करना, उसको रोटेट करते रहना है। जब आप उसको प्रिक करेंगे तो मीडियम मिकदार में वन ड्रॉप आपने ब्लड का उसको प्रेस करके निकालना है। उसके बाद आपने ग्लूकोमीटर स्ट्रिप के ऊपर ब्लड को इस तरह गिराना है। ये स्ट्रिप जो ब्लड रिक्वायर्ड होता है उसको खुद ब खुद पिक कर लेती है, और जैसे ही
ये पिक कर लेगी तो उल्टी गिनती आप मीटर के ऊपर शो हो जाएगी। अगर उसके ऊपर एरर लिखा आता है या ई लिखा आता है, उसका मतलब है कि आपके मीटर में या चेकिंग में कोई एरर आ गई है, आपको दोबारा नई स्ट्रिप लगाकर वही प्रोसीजर आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे काउंट डाउन या उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तो उसका मतलब है आपने प्रोसीजर को ठीक किया है, और आपको तकरीबन 5 सेकंड तक, ये कंपनी पे वेरी करता है कि वो कितने सेकंड में रिज़ल्ट देता है, आपके ग्लूकोमीटर के ऊपर रिज़ल्ट आ जाएगा। इस तरह का रिज़ल्ट आएगा और इस तरह आपने रीडिंग करनी है, जिस तरह इस मीटर के ऊपर 135 mg/dL शुगर का लेवल है, तो वो शुगर जो आपने चेक की है उसका लेवल नॉर्मल लेवल क्या है, ये हम इंशाल्लाह आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि शुगर के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं और आपने शुगर को कितनी बार चेक करना होता है। हमेशा मेक श्योर करना है कि आपने ग्लूकोमीटर के ऊपर रीडिंग जो है वो बिल्कुल सीधी ली है, आपने उसको उल्टा नहीं पकड़ा हुआ, वरना कई दफ़ा रीडिंग उल्टा पकड़ने की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है, जो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। तो इसके बाद आप स्ट्रिप को और लैंसेट को एक अच्छी तरह आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, ताकि उससे कोई बच्चा वगैरह या कोई और दूसरा पर्सन जख्मी ना हो सके। और ये दोनों डिस्पोजेबल होते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इनको सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, हर दफ़ा शुगर चेक करने के लिए आपको लैंसेट और स्ट्रिप नहीं लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह हम उनको आंसर करेंगे। और उसके बाद अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन